Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. सबसे पहले तो प्ले के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा लगा, हाउ यू फील इन दिस काइंड ऑफ प्ले? बेसिकली जब मैंने ये नाम पढ़ा था तो आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि अलग नाम है, कैसा प्ले रहेगा. काफ़ी मतलब मैंने चर्चा सुनी थी कि बीच में मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गया था. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्ले. आज पहली बार मैंने प्ले देखा है, सुपर प्ले. जितने भी कैरेक्टर्स लाइक जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत उम्दा काम किया है सभी लोगों ने. और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार ज़रूर ये प्ले देखना चाहिए. प्ले के बारे में अभी मैं कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो लोग आके खुद प्ले देखें. प्ले के दौरान बहुत सारे सीन में बहुत सारे लोग क्लैप्ड किया, द बेस्ट पार्ट यू लाइक मतलब जो स्क्रिप्ट है बहुत खूबसूरत है. और मैं जो डायरेक्टर हैं हमारे, काबिले तारीफ है उनका काम, जिस तरीके से मतलब उन्होंने खड़ा किया है स्टेज के ऊपर. अब अगर मैं और ज़्यादा बोलूँगी तो शायद लोगों को पता चल जाएगा कि प्ले क्या है. तो मैं यही कहूँगी कि आके सब लोगों ने देखना बहुत ज़रूरी है इस प्ले को. ओके, लास्टली हम अगर प्ले की बात करें, नॉर्मली मूवी का प्रीमियर होता है बट फर्स्ट टाइम प्ले का प्रीमियर होगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा. आई एम वेरी हैप्पी कि ये लेवल पे प्ले को लेके रखा है चैतन्य सर ने. और बहुत खुशी हो रही है. मैं चाहती हूँ कि सभी प्ले जो है इसी तरीके से प्रमोट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख पाएँ. ऑडियंस के लिए कोई मैसेज जिन्होंने आपसे? ऑडियंस को मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ एक बार आपके आसपास में कहीं भी अगर ये प्ले आपको एडवर्टीजमेंट दिखे कि ये प्ले होने वाला है, डू विज़िट, जाके आप प्लीज़ देखिए. थैंक यू. मी एवढंच सांगतो, ॲक्च्युली खरंच खूप मेजर हँगओवरमध्ये आहे प्लेचं. आणि मी खूप वर्षांपूर्वी ना पुरुष नावाचं एक नाटक बघितलं होतं, आय होप दिस इज ऑडिबल. त्यात पुरुष नाटकामध्ये मला ना बरेच प्रश्न पडले होते. मी नाटक वाचलंसुद्धा होतं ॲक्च्युली आणि बघितलं होतं यूट्यूबवर. तर ते नाटक बघताना वाचताना खूप प्रश्न पडले होते. आणि आज हे नाटक बघितल्यानंतर मला त्या नाटकामध्ये जेवढे सगळे प्रश्न पडले होते त्याची चोख समर्पक उत्तर मिळालेली आहेत. त्यामुळे हॅट्स ऑफ टू ऋषिकेश कोळी यार, ही इज फॅब्युलस. त्याची शैलीच मुळात का तो वेगळ्याच ग्रहावरचा प्राणी आहे. आणि कामं तर म्हणजे काय यार, नंदिता संग्राम समीर माझा खास मित्र आहे यार, तो आम्ही दोघं एकत्र खूप वर्षांपासून कामं करतो आहे, पण आजपर्यंत मला दिस वॉज हिज बेस्ट परफॉर्मन्स. जे काय तो आहे काम करतो त्यांनी इतकं चोख कॅरेक्टर पकडलं. सुशील इनामदार, पल्लवी पाटील, रोहन गुजर, एव्हरी वन फॅबुलस. एनी फेवरेट सीन? माझा सगळ्यात शेवटचा सीन जिथे तो त्याच्या कोयत्यानी स्वतःला संपवतो आणि तो एक परत बाहेर येऊन
ते रिंगकडे बघतो मी काय तिथे मी हरलो म्हणजे तिथे सगळ्यात दॅट वॉज द बेस्ट एंड आय गेस सो फार नो लाईक फर्स्ट टाइम नॉर्मली फिल्म के प्रीमियर फर्स्ट टाइम किती प्ले का प्रीमियर यार डेफिनेटली झालंच पाहिजे यार मी मराठी नाटकाला वर अशाच प्रकारे करतात आता सगळंच डिजिटल झालेलं आहे तर आय गेस डिजिटलीच त्याला पब्लिसिटी मिळून जर का काही होऊ शकलं तरच नाटकाचे चांगले दिवस येतील नाहीतर खरंच कठीण आहे आणि ट्रस्ट मी आत्ता हे जे चालू आहे ज्या कॅनव्हासवर हे सगळं करतायत एवढं जोरदार इनॉग्रेशन आणि एवढं सगळं भव्य दिव्य सगळं केलेलं आहे आय एम शुअर मराठी नाटकाला मराठी नाटक हे खूप वेगळ्याच लेवलवर घेऊन जाईल डेफिनेटली थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच टेक केअर मैम सबसे पहले तो हम प्ले के बारे में आपको कैसा लगा प्ले बहुत यानी विचार करने लायक है एक तो बहुत बढ़िया है नाट्यशास्त्र का एक बहुत बड़ा लेसन है अगर नाट्यशास्त्र पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट ये प्ले देखे तो उसमें नाटक क्या होता है स्टोरी क्या होती है कैरेक्टराइजेशन क्या होता है डायरेक्टर क्या होता है डायरेक्शन क्या होता है लेखक क्या होता है और एक्टर क्या होता है और एक्टर ने किस तरीके से काम करना चाहिए और दूसरी बात एक नाटक का जो एक दूसरा भाग है ये जैसे ये पुरुष जो ओरिजिनल नाटक है तो उसका ये दूसरा भाग है और जिसमें वो जो जितने कैरेक्टर्स हैं तो उनके जो विचार उनका जो पूरा एक संघर्ष है और लेखक और डायरेक्टर और एक्टर्स जैसे एक बहुत पहले का एक नाटक है बहुत बढ़िया सिक्स एक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर तो उस नाटक की मुझे याद आ गई जैसे उसमें भी जो पात्र रहते हैं तो वो अपने दिल की बात कैसे बोलते हैं कि कैरेक्टर एक्टर और जो कर रहा है वो लेकिन इसमें जो कैरेक्टर की साइकोलॉजी पकड़ना जो होती है तो वो साइकोलॉजी को लेके इतना बड़ा खेल जो आदमी को दंग कर देता है तो इसमें जो है तो ऐसे नहीं कि मज़ा आया ये नहीं बोल सकते ये नाटक में मज़ा आया ये नहीं बोल सकते ये आदमी को हर एक आदमी को विचार करने में मजबूर करता है इतना बढ़िया नाटक है और मुझे लगता है कि नाटक कौन सा होता है कौन सा अच्छा होता है जो नाटक तुम्हें हिला देता है जी। और सिम जी जानना चाहूँगा बिल्कुल लाइक बहुत सारे सीन में बहुत सारे लोग क्लैप्स किया तो कोई फेवरेट सीन जो आपको मजा आया काफी नहीं नहीं क्लैप्स एक अलग बात के लिए होती है कभी कभी इसमें ये तो लास्ट के क्लैप भी एक्चुअल नहीं आना चाहिए नाटक में बाद में लास्ट में जो क्लैप होती है तो मैंने तो सबने क्लैप दी करके मेरे हाथ ऐसे हो गए लेकिन मैं उस नाटक में इतनी गई थी उसका वो एंड देख के ऐसे मुझे पसीना आ गया था और बहुत विचार करने वाला नाटक है ये नाटक के बहुत सारे शोज होना चाहिए और एक अलग तरीके से जो विचार किया है बलात्कार के विषय में और जो अभी हम लोग देखते हैं इतना सारा प्ले और आजकल हमारे दुनिया में भी जो कुछ चल रहा है तो उस हिसाब से लेके ये जो नाटक है कि नहीं कि जो शिक्षा दी जाती है बलात्कारी को रेपिस्ट को तो वो शिक्षा ये नहीं है उसके दिमाग के ऊपर जब तक के शिक्षा नहीं करते हैं तब तक के कुछ नहीं हो सकता तो मुझे लगता है इस नाटक के बहुत सारे शोज होना चाहिए सब आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो अपने रोल है वो उन्होंने इतने बढ़िया यानी उन्होंने अपना कैरेक्टराइजेशन इतना बढ़िया किया है कि हम लोग उनके साथ चले जाते हैं तो क्योंकि लास्ट में हम मोस्टली मूवी का प्रीमियर देखते हैं बट पहली बार प्ले का प्रीमियर हुआ इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ये तो बहुत बढ़िया है कि चलो आज से ये शुरुआत हो जाएगी कि चलो प्रीमियर हो रहा है नाटक का प्रीमियर हो रहा है ये तो बहुत खुशी की बात है कि शायद मुझे लगता है ये देख के बाकी के लोग भी अभी उनको भी स्फूर्ति मिलेगी ये सरप्राइज था मुझे जो प्रीमियर है ये सरप्राइज था लेकिन बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है सबको ऑल दी बेस्ट और बहुत सारे शोज होना चाहिए और बेस्ट लक देती हूँ शुभेच्छाएं देती हूँ धन्यवाद धन्यवाद
सबसे पहले तो जो प्ले का थीम कैसा लगा और पहली बार इस तरह के प्ले लगा तो उसको क्या कैसा लगा? तो इट वाज क्वाइट गुड एनफ, लाइक आई लव्ड इट. ओके, नो जब पहली बार हम मूवी का प्रीमियर होता है, पहली बार प्ले का प्रीमियर हुआ, तो क्या आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? इसमें बेस्ट पार्ट इज द एक्टिंग, इट कम्स फ्रॉम विद इन फ्रॉम द हार्ट. I been very honestly, I never go to any plays and all, being as a Maharashtrian, like all friend circles are like all that things, but this is the first time where I saw actually the life people, I mean say the sentiments are coming within from inside. This is actually, and there was a scene where this girls they actually cried, and the emotions I just cannot express it. That was a fact. Okay, I mean, it's much better than a film, I can say. Lastly, any message from audience for what do you say? No, just like God bless you, doing very good work. Thank you. Thanks. Are you like the play, and how much you enjoyed it? Of course I enjoyed the play, that's the reason why I'm part of the team, and it's a very challenging thing to do because this is a play wherein an actor is being challenged by the character, so something that we probably don't think of while doing our work, and this is a thought that has been put in our minds that there is a character who's struggling for the actor to be like him, and the actors generally portray the character the way they feel, but there might also be a character who's waiting for the actor to reach him. So this is really challenging, and I think this is a new thought that we can work on in the next projects probably. Character ki baat kar le, har scene mein logon ne kafi clap kiya, to aapke liye sabse best scene kaun sa tha? Best scene aise nahi bol paungi, par mera favorite character is Mathura aur Bapu Rao. Ye do mere bahut favorite characters hai. Mathura se bhi zyada mujhe Bapu Rao ye character zyada pasand hai, kyunki wo basically ओरिजिनल प्ले में वो कैरेक्टर सिर्फ नाम के लिए है, उसका कोई आगे स्टोरी नहीं डेवलप हुआ है, बट इस प्ले में एक पूरा का पूरा कैरेक्टर खड़ा रहता है और उसका भी कुछ कहना है, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ कम आउट वेरी स्ट्रांगली, एंड ऑफ कोर्स आर एक्टर संग्राम समेत प्लेज इट वेरी वेल, सो आई लव दिस कैरेक्टर बापू राव. यू नो सेम टाइम लाइक हम फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं किसी नॉर्मली फिल्म का प्रीमियर होता है, बट फर्स्ट टाइम किसी प्ले का प्रीमियर होता है, व्हाट डू यू से? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट अ प्ले बट अ प्ले बीइंग प्रोमोटेड इन दिस वे जस्ट लाइक अ फिल्म और प्रॉबली मे बी अ टेलीविजन शो, आई थिंक दिस इज़ नेवर हैपेंड, एंड दिस वुड बी अ बिग बूस्ट फॉर प्रॉबली प्लेस टू कम, एंड a new milestone probably set up in theater industry, and I think it's an experimental play, but I mean we don't treat it as an experimental play, but still being promoted to such a level, and whether it's media, whether it's newspapers, whether it's doing a preview show like this, it's a big thing for a play to happen, and I'm very fortunate that I'm proud of this play. थैंक यू सो मच, गुड लक. थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले तो हम प्ले के बारे में जानना चाहिए, आपको कैसा लगा प्ले? बहुत दिनों बाद, मतलब जब मैंने पुरुष देखा विद नाना पाटेकर ओरिजिनल कास्ट, मिस्टर चंद्रकांत गोखले, रीमा जी और बस बहुत सारे आर्टिस्ट, इतने सालों के बाद वापस वो बोलते ना याद हो गई, वो ताज़ा हो गई और अच्छा किया. सब नए लोग हैं, अच्छे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के बहुत सारे शो हो जाए. नॉर्मली हम देखते हैं फिल्म का प्रीमियर होता है, बट पहली बार इस तरह के प्ले का प्रीमियर होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दैट ऑल क्रेडिट्स गो टू चैतन्य, मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत मतलब मैं दिल से चाहूँगा कि इस प्ले के ज़्यादा से ज़्यादा शो नॉट ओनली बॉम्बे, ऑल ओवर महाराष्ट्र, हम जहाँ जहाँ विलेज में ऐसे वाक्य होते हैं ना, वहाँ ज़रूर होना चाहिए. लास्टली यू नो लाइक हमने बहुत सारे सीन में लोग देखा क्लैपिंग किया, आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा प्ले में? सबसे मैं सॉरी कहूँगा कि मैं थोड़ा लेट आ गया, उसके बाद में वो जो दोनों की जी वो जो ये बताया ना
दलित का कैरेक्टर यूज़ नहीं किया था उसका, और जो एडवोकेट बना संग्राम समय वो दोनों का जो सीन जो है ना वो मतलब काम सभी ने अच्छा किया लेकिन वो ज़्यादा करके वो दिमाग में रहा। एनी मैसेज फ्रॉम द ऑडियंस जो आपने प्ले देखा नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ना मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि 20 तारीख को मेरे घर के नज़दीक ही है यशवंत नाट्य मंदिर, वहाँ ज़रूर आए, ज़रूर देखें और 10 लोगों को बताएं कि उस ज़माने का पुरुष और ये ज़माने के नए स्टार कास्ट में जिन्होंने अपनी मेहनत से जितना हो सके उतना अच्छा दिया है, और जितने शो अभी जितने ज़्यादा हो जाएंगे ना और ज़्यादा पुरुष। थैंक यू सो मच। थैंक्स। फ्रैंकली स्पीकिंग प्ले देखने के बाद आई एम स्टिल इन टू दैट प्ले के मूड, सीरियसली आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू टेल, बिकॉज सच कहूँ तो ये जो एफर्ट्स लिया है एक एक्सपेरिमेंटल प्ले को इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आना, जो चैतन्य ने काम किया है, उसकी पूरी टीम ने काम किया है, डिजिटल डिटॉक्स ने काम किया है, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ मराठी एक्सपेरिमेंटल प्ले को अपग्रेड नहीं करती, मगर इसको ये चीज़ें धीरे धीरे मिलके एक दिन ग्लोबल भी होने वाली है, और ये ग्लोबल हो जाएगी। और प्ले की बात करूँ तो ये जो प्ले है एक वी नो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड प्ले, पुरुष नाम का प्ले, उसको उसके ऊपर ये आधारित भी नहीं कहूँगा, इसका एक रेफरेंस लेके उन्होंने बनाया है। ऋषिकेश कुली ने जो राइटिंग में काम किया है, जो डायरेक्शन में काम किया, सीरियसली माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसे चीज़ों करने के लिए एक्चुअली आप में एक तो हिम्मत लगती है कि आप ऐसे कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं उसको हाथ डालो। हाथ डालने के बाद आपने जो न्याय दिया है ऋषिकेश कोहली ने वो सच में कहूँ तो बहुत अजीब, बहुत गजब है। और चैतन्य तो है ही, और जो बाकी के जो एक्टर्स हैं, संग्राम समय हुआ, उनकी वाइफ पल्लवी पाटिल हुई, और मेरे जो बाकी के जो कलाकार दोस्त हैं उन्होंने, मैं कहूँगा कि उन्होंने एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है कि जहाँ हम बोल सके नहीं ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। हर एक चीज़ में, हर एक जो कैरेक्टर जो लोगों ने पहले प्ले किए, जैसे नाना जी ने, नाना पाटेकर जी ने पुरुष पहले नाटक में मेन रोल किया था, ये जो एक्टर्स हैं इन्होंने कहीं पे भी ऑडियंस हो या आई डोंट नो क्रिटिक्स, लेकिन एज अ ऑडियंस मैं मानता हूँ कहीं पे भी ऐसे नाम रखने के लिए या फिर ये कमी वो कमी निकालने की जगह नहीं छोड़ी। सब लोग ने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी और दिख रहा है उनका एफर्ट्स, दिख रहा है स्टेज पे उनका, उनकी जो कहते हैं ना रिहर्सल या बोले या फिर पूरी जो मेहनत उन्होंने जिस किरदार करने में डाली है वो पूरी दिख रही है। यू नो हम नॉर्मली फिल्म का प्रीमियर देखते हैं बट फर्स्ट टाइम प्ले का प्रीमियर देख रहे हैं, जी मैंने वही लाइक कह रहा हूँ, जो डिजिटल डिटॉक्स ने, चैतन्य ने, उनके जो अस्तित्व वगैरह बाकी के पूरी जो टीम है उन्होंने एक मराठी एक्सपेरिमेंटल नाटक, जिस एक्सपेरिमेंटल नाटक को कहीं पे तो एक ना मेन थिएटर दिया जाता था, अगर दिया भी जाता तो फिर उसको चार्जेस बहुत अलग होते थे, फिर उनको अगर देना हो थिएटर परफॉर्म करने के लिए तो एक मिनी थिएटर दिया जाता था, तो चैतन्य ने अपने एफर्ट्स से ये पूरा एक जो बॉक्स है ये तोड़ा है। आज अब हम लोग ने देखा इस प्ले, इस एक्सपेरिमेंटल प्ले का मंचन नीचे, जो एक बड़े स्टेज पे था, बड़े पैमाने पे था, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को बुलाया गया था, और अगर इस तरीके से चलता गया तो मराठी नहीं तो ऑफकोर्स ये हिंदी एक्सपेरिमेंटल प्ले, हर एक्सपेरिमेंटल प्ले जो है ये ग्लोबली रीच होगा, पूरे लोगों तक जाएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्ले की बात करें तो कैसा लगा आपको प्ले, हाउ यू एंजॉयड इट? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मराठी में पुरुष इस नाम से इस नाटक का मंचन हुआ था बहुत सालों पहले, और उसको बहुत ही फेम भी मिला था, बहुत लोकप्रिय हुआ था ये ड्रामा, और इस ड्रामा से बहुत से ऐसे कलाकार बॉलीवुड के बॉलीवुड को भी मिले, इस ड्रामा से ऐसे कलाकार बॉलीवुड को भी मिले जैसे रीमा जी हैं, नाना पाटेकर जी हैं, और ऐसे नाटकों का मंचन होना चाहिए जो मेरे हिसाब से मराठी थिएटर के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि मराठी में ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्लेस भी होते हैं। अभी इस नाटक की बात करो तो पुरुष इस नाटक से प्रेरित होकर ये नाटक वर खाली दोन पाए इसका मंचन हुआ है, और इस तरह से भी एक कैरेक्टर के बारे में सोचा जा सकता है, मतलब जो ओरिजिनल प्ले में
गुलाब राव ये निगेटिव कैरेक्टर है, बहुत ही निगेटिव कैरेक्टर है जो रेप करता है, लेकिन उसकी भावनाएँ कुछ और हो सकती हैं, कुछ अलग हो सकती हैं, जो इस नाटक में मंचित होती हुई हमें दिखाई देती है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का प्ले है और ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्लेज होने चाहिए। यू नो, हमने देखा कि प्ले के हर सीन में लोग काफ़ी क्लैप किया, आपको कोई सीन जो काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ? इस प्ले में, इस नाटक में मेरे दो बहुत ही खास दोस्त हैं, संग्राम समय और उनकी वाइफ पल्लवी पाटिल समय। उनका सीन मेरे लिए बहुत ही खास है, जो कैरेक्टर का नाम मथुरा, मेरे हिसाब से या अकॉर्डिंग टू मी मथुरा ये जो कैरेक्टर है बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, और ये उसका मंचन जिस तरह से हुआ, जिस तरह से वो सीन कंसीव किया गया था, जिस तरह से लिखा गया था, उसमें जो मेरे फ्रेंड ने, संग्राम ने जो किरदार निभाया है, वो बल्कि ओरिजिनल प्ले में है भी नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह से सोचकर उसका कैरेक्टर भी लिखा गया था, और मेरे लिए वो मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उस नाटक में बहुत ही अलग तरीके से वो पेश आते हैं, तो वो देखना मेरे लिए बहुत ही बड़ुआ से बहुत ही एक्साइटिंग सीन था मेरे लिए। यू नो, लास्टली हम अगर प्ले की बात करें, नॉर्मली फिल्म का प्रीमियर होता है, फर्स्ट टाइम किसी प्ले का प्रीमियर होता है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ प्ले? मराठी इंडस्ट्री, वो नाटक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब सिर्फ कमर्शियल नहीं लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स को सराहा भी जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ना केवल मराठी इंडस्ट्री के लिए लेकिन हिंदी इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि जैसे एक्सपेरिमेंटल प्ले कमर्शियल मराठी थिएटर के लिए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स प्रोवाइड करता है, वैसे ही मराठी इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छे अच्छे एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आज हम देख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही आनंददायी ये घटना है। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे बात के लिए बहुत अच्छा। थैंक यू। सर, आपको प्ले कैसा लगा? बिकॉज यू नो ये डिफरेंट यूनिक है, कितना एंजॉय किया आपने? एंजॉय करने से ज़्यादा मतलब बहुत सोच रहा था पूरे थ्रू आउट द प्ले, क्योंकि दिमाग चल नहीं रहा था। एक तो इतने ये पॉइंट ऑफ व्यू जो कैरेक्टर का इन्होंने ये प्ले में दिखाया है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी मतलब हमने सोचा नहीं था, बीइंग एन एक्टर, हम लोग भी जो प्लेस करते हैं, जो वन एक्ट इसके पहले हमने करे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी देखा नहीं, तो ये बहुत ही एक डेयरिंग मुझे लग रहा है ये प्ले प्रोड्यूस करना। और ऋषिकेश कोहली जो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, मतलब ये पागल बंदा है। एक तो इसके जो भी हमने इसके पहले इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में इसके प्लेस देखे हैं, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस थे, बहुत इंटर कॉलेजिएट प्लेस होने के बावजूद इंटर कॉलेजिएट दंगे भी हो चुके हैं इसके पहले, सो ये एक अलग सोच का बंदा है, इसके दिमाग में ये चीज़ आना, इसके लिए मतलब ऋषिकेश को बहुत बहुत बधाई कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये नाटक को सोचा, पुरुष नाटक, जो बहुत ही मतलब नाना पाटेकर साहब और रीमा जी ने बहुत ही बेहतरीन उनके अभिनय से साकारा था, और मतलब उसके बाद जो एक्टर्स इस ये नाटक में मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, जो किरदार कर रहे हैं, जो एक्टर्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए मतलब ना ये पूरे आई थिंक ये पूरे नाटक के रिहर्सल में एक प्रोसेस रही होगी, एक स्कूल रहा होगा, एक मतलब NST में मतलब भी शायद से ये चीज़ें सिखाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो ये प्रोसेस इसमें रही होगी, क्योंकि हर किरदार कैसे बात कर सकता है, किरदार खुद का कैसे सोच सकता है, एक्टर सोच सकता है किरदार के बारे में लेकिन किरदार खुद के बारे में कैसे सोच सकता है, तो ये सब प्रोसेस थी, तो बहुत ही बेहतरीन था, अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग एक एंगल नाटक देखने का, कि मतलब एक हम जब प्ले देखते हैं तो उसके पीछे का वो जो किरदार होगा वो क्या सोचता होगा कि ये एक्टर मुझे बखूबी निभा रहा है नहीं निभा रहा है, तो ये जो सोच है किरदार की वो मतलब इस नाटक में देखने मिली। और बाकी एक्टर्स तो क्या बोलूँ सब, सुशील तो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, सुशील है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ सर, सुशील है और नंदिता जी है, बाकी सभी जो एक्टर्स हैं इसमें बहुत ही बखूबी सब लोगों ने काम किया है, और मतलब वो जो जीना कहते हैं कि किरदार जीना होता है, जो वो सब ने वो जिया है कैरेक्टर, और
पैरेलल थिएटर में ये प्ले हो रहा है, तो कमर्शियल थिएटर में अगर ये प्ले होता है तो मे बी लोग शुरुआत में रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. मतलब एक हाथ किरदार कैसे बात कर सकता है कि मुझे ऐसा पेश करो या ऐसा मुझे दिखाओ, प्रेजेंट करो. तो ये कमर्शियल थिएटर में भी होना चाहिए. लोगों को मतलब ऑडियंस की टेस्ट मतलब है, हम क्या मतलब उनको खिलाते हैं, क्या स्पून फीड करते हैं, वो हमारे ऊपर है. तो एक बहुत ही अलग है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एडल्ट जो इश्यूज है इसमें, तो एडल्ट प्ले करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये प्ले के ज़रिए ये सब टीम ने एक अटेम्प्ट किया है और ये बहुत ही मतलब सफल हुआ है. पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है एंड ऑल द बेस्ट. ओके, लास्ट में हम नॉर्मली फिल्म के प्रीमियर देखते हैं जी, पहली बार किसी प्ले का प्रीमियर होता है, ये कौन सा कैसे? हाँ, मतलब ये पहली बार हुआ है शायद इस तरीके से, सब इनवाइटीज़ बुला के, इंडस्ट्री के सब जो भी नामचीन बंदे हैं सब बुला के ये इनवाइटीज़ का एक स्पेशल शो किया है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब नॉर्मली आम ऑडियंस तो देखती ही है पहला शो जो भी होता है, लेकिन ये प्रीमियर मतलब इन्होंने अब इस प्ले का किया है. तो ये जब इंडस्ट्री के बंदे जब देखते हैं कोई भी एक आध कलाकृति, तो इंडस्ट्री में उसका वो जो फैलाव होता है कि भाई जाओ अच्छा है देखो अलग नाटक है, तो इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इन सबके लिए इन सबको बहुत बहुत बधाई है. थैंक यू सो मच. थैंक यू मुबारकबाद. थैंक यू. लोग काफ़ी अप्रिशिएट थे, आप कितने एक्साइटेड थे अपने लिए? बहुत प्रेशर था, बड़े बड़े लोग आ रहे थे थिएटर के, बॉलीवुड से सब लोग. सो आई वॉज हाईली एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटेड प्ले इन द मराठी राइट नाउ. सो यानी प्रेशर तो था कि रिसीव क्या होगा, रिसेप्शन क्या आएगी, लेकिन लोगों ने बहुत सराहा प्ले को, बहुत तारीफ की है. इस जैसा प्ले आज तक यानी इसने थिएटर की कक्षा बढ़ाई है, नए नए राइटरों को, नए नए निर्देशकों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि ऐसे भी क्राफ्टिंग हो सकती है. कहानी की कहानी नहीं होती, कभी कभी कहानी किरदारों की होती है, कहानी एक पल की होती है, कहानी एक समाप्ति की होती है. सो इसने एक अलग ही संघर्ष पैदा किया, जो एरिस्टोटल ने तीन जो संघर्ष बताए थे कि मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस डेस्टिनी. तो हमने एक नया संघर्ष दर्शकों के सामने खड़ा किया है, वो है कि एक्टर वर्सेस कैरेक्टर. सो एक बहुत ही एक खुशनुमा माहौल है, बहुत बढ़िया लग रहा है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं. हालांकि कमर्शियल प्लेस को बहुत ज़्यादा रिस्पांस होती है, बट दिस इज़ अ वन ऑफ द प्ले कि यहाँ इस बड़े एक्सपेरिमेंट को लोगों ने बहुत प्रेज किया. बट यू नो सेम टाइम लाइक हमने प्ले देखा, हर सीन में लोग काफ़ी क्लैप कर रहे हैं. यस, एनी फेवरेट सीन अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज़ यू आर द मेन पायलट ऑफ द मूवी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि फेवरेट सीन, दिस इज द प्ले इज लाइक एन होल पेंटिंग, द पेंटर कांट डिनाई टू लविंग विद हिज लाइन टू द कलर्स. सो मुझे शुरुआत से लेके पर्दा खुलने से लेके पर्दा बंद होने तक मुझे कभी कभी लगता है कि पर्दा बंद भी ना होए, तो उसमें माहौल में रहता हो एक. सो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि एक चीज़ या दो चीज़, प्ले द थिएटर इन टोटालिटी. सो आई बिलीव कि मैं थिएटर जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ. बट लास्ट ईयर सेम टाइम हम नॉर्मली मूवी का प्रीमियर देखा है, फर्स्ट टाइम किसी प्ले का प्रीमियर. यस, दिस इज, हाँ ये बहुत बड़ी बात है. मैं ये यूनिक चीज़ है, चैतन्य अकोलकर जो डिजिटल डिटॉक्स के प्रेजेंटर है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं. इट्स डेवलपिंग अ टेस्ट बर्ड्स की फिल्मों के प्रीमियर्स होते हैं, सब चीज़ों के प्रीमियर्स होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट प्ले वर खाली दोन पाए की, जहाँ इतनी हाई लेवल पे, इतनी ग्रैंड लेवल पे उसका प्रीमियर हो गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.